आवे फुलां दा तू अतर बड़ा अतरां दे दरिया वगा मच्छियां वांगो टुपियां ला फिर भी तेरी पो नहीं मुकनी पहले अपनी मैं मुका कोई नोट है तो दिखाओ जी मुझे एक ये जरूरत था हमने मकसद बना दिया वो मकसद था हमने जरूरत बना दिया बात गलत तो नहीं की मैंने वो जरूरत ही है ना अगर कोई बीमार ना हो तो उसे याद करता है कोई अगर किसी को परेशानी ना हो तो कोई याद करता है उसे अगर किसी के घर औलाद ना हो तो फिर कोई याद करता है उसे अगर किसी का कारोबार चल रहा हो तो फिर याद करता है उसे वो मकसद था हमने जरूरत बना दी ये जरूरत था हमने मकसद बना दिया तो फिर याद रखिएगा हजरत जो जो इसको अपना मकसद बनाने की गलती कर चुका है तो याद रखना मियाँ ये वो मकसद है जो आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ ये थका देगा तुम्हें इतना भगाएगा थका देगा मौलाना रूम रहमतुल्लाही तआला मसनवी कमाल किया जे मौलाना रूम दो बाबों ने बड़ा एहसान किया उम्मत पे एक मौलाना रूम दूसरे शेख सादी उनकी गुलस्तान बूस्तान और मौलाना रूम की मसनवी लेकिन अगर ये दुख की बात यह है कि टाइम किसके पास है किताबें पढ़ने का हमने अपने बड़ों को छोड़ा यही तो इसीलिए तो हाल हुआ था या आज आप जिनकी तरक्की से बड़े हैरान हैं इनकी तरक्की की हर इमारत की बुनियाद हमारे बड़ों ने रखी है आपके समय थे हम अजल से इस तरह ही हैं कभी तारीख उठा के देखें हजरत इनकी हर इमारत की पहली ईंट हमारे बुजुर्गों ने रखी अब ये ना समझे कि हम अजल से इसी तरह चले आ रहे हैं नहीं अगर आप कीमिया उठा के देखे तो कीमिया का बाली जाबर बिन हयान है सबसे पहले जिस शख्स ने जमीन का कतर मापा था हजरत वो अल बैरूनी है हजरत ये मैथ ये अल जबरा इसके बानी हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुछ आया है अगर आप इल्म फलकियात की बात करते हैं तो उसकी इब्तिदा नसीरुद्दीन तुसी ने की थी हजरत आप हर इल्म उठाए हजरत इब्तिदा आपने की है उसकी वखरी बात है हजरत फिर हम लेकिन इकबाल जब पहली बार हजरत जी लंदन आया इकबाल और इकबाल ने जब लंदन की लाइब्रेरी देखी तो इकबाल देख के दंग रह गया लाइब्रेरी इनकी थी किताबें हमारे बड़ों की पढ़ी थी और फिर इकबाल ने रो के कहा था इकबाल कहते वो इल्म के मोती वो किताबें हमारे आबा की जो देखा उनको यूरोप में तो दिल होता है सह पारा हम ताजमहल बनाते रहे हम हरन मीनार बनाते रहे हम जनाब कल किले बनाते रहे हम कुत्ते लड़ाते रहे हम घोड़ों की रेस करवाते रहे और ये कहां से कहां पहुंच गए वो इल्म के मोती वो किताबें हमारे आबाद की जो देखा उनको यूरोप में तो दिल होता है सह पारा ये अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है जी उसका उनवान है इबलीस की मजलिस शूरा बड़ा अपने आप को लुत्फ आएगा आप ये डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से इबलीस की मजलिस शूरा वो उसने मीटिंग बुलवाई वो जितने छोटे छोटे पिदे पिदे शैतान थे ना वो सारे आए सब ने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की ये बड़ी महफिलें हो रही हैं बड़ा रश पड़ा हुआ है रिपोर्ट पेश की सबने अपनी फिर जब सारे अपनी अपनी रिपोर्ट पेश कर चुके ना फिर इबलीस बोला बड़ा शैतान है और मैं चलो उसके सारे शेर नहीं पढ़ूंगा मैं सिर्फ दो शेर पढ़ूंगा सारे बोल चुके हैं अब इबलीस बोलता है और सबसे पहली बात पता उसने क्या की पहला शेर पढ़ूंगा फिर आखिरी पढ़ूंगा वो क्या कहता है मुझे इनसे ना डराओ मैं नहीं इनसे डरता कोई भी उन्होंने कहा हजरत हमने रिपोर्ट पेश की है इस दफा बहुत बड़ी माफल हुई 12 रबीउल अव्वल के जुलूस पे बड़ा रश था
इन्होंने बड़े जोशो खरोश से मनाया, रबीउल अव्वल के जुलूस पे बड़ा रश था, इन्होंने बड़े जोशो खरोश से मनाया, उसने रिपोर्ट पेश की ना। अब जब सारे अपनी अपनी रिपोर्ट पेश कर चुके हैं, फिर वो बोलता है, पहली बात वो क्या करता है सुनो, वो कहता है जानता हूं मैं ये उम्मत था मेरे कुरान ही। मुझे ना डराओ इनसे, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये कुरान छोड़ चुके हैं। पहली बात इबलीस की, जानता हूं मैं ये उम्मत था मेरे कुरान ही, ये उम्मत छोड़ चुकी है कुरान, कुरान रह गया तवीजों के लिए, कुरान रह गया दम के लिए, कुरान रह गया फूकों के लिए, कुरान रह गया तरावीह के लिए, कुरान रह गया शबीने के लिए, कुरान रह गया कचहरियों में झूठी कस्में खाने के लिए, कुरान रह गया महंगे महंगे गिलाफों के लिए, कुरान रह गया अलमारियों के लिए, कुरान रह गया महफिल में बस थोड़ी सी तिलावत करने के लिए, बाकी किधर है कुरान, है कहीं कुरान? बल्कि छोड़ा तो छोड़ा, अब हम मुझे नहीं पता जी आपके इधर शादियों का क्या अंदाज है, क्या रिवाज है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तानी तो अभी यहां पहुंचे हुए हैं। शादी शुरू करने से लेकर दुल्हन रुखसत करने तक किसी एक बंदे को कुरान नहीं याद, मेहंदी पे तेल पे किसी को कुरान नहीं याद, नाचने वाले आएंगे, नाचने वालियां आएंगी, शराब पी जाएगी, रक्स होगा, डांस होगा, लड़के लड़कियां इकट्ठे मिलके नाचेंगे, बारात वाले दिन फौजी बैंड आएगा, जब बारात पहुंचेगी जवान लड़कियां हजरत बारात पे फूल फेंकेगी, अंदर मर्दों में औरतों में कोई पर्दा नहीं होगा, डीजे बजेगा, हर हिंदुओं की रस्म पूरी की जाएगी हजरत जी, किसी को कुरान याद नहीं आएगा। फिर एंड पे क्या करेंगे, जब दुल्हन रुखसत करने लगेंगे तो कुरान निकाल लेंगे। सच बताना हजरत, इस वक्त कुरान अल्लाह की बारगाह में क्या कहता होगा, वो जिस दुल्हन के सर पे कुरान रखा जाता है उसका अपने आधा सर नंगा, जिस शख्स ने दुल्हन के सर पे कुरान रखा होता है पक्की बात है मैं मस्जिद में बैठा हूं बेवजू, दुल्हन के साथ जितनी औरतें चल रही हैं सारी कपड़े पहन के नंगी, सर सब के नंगे, है वो माहौल कुरान निकालने वाला? फिर वो क्या कहता है इबलीस, पहली बात जानता हूं मैं ये उम्मत हा मेरे कुरान नहीं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि ये कुरान छोड़ चुके हैं, इन्होंने कुरान छोड़ दिया है। जानता हूं मैं ये उम्मत हा मेरे कुरान नहीं, है वही सरमायादारी बंदा ए मोमिन का दीन, इनका सारा कोई तो पैसा बन गया, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये जो मर्जी कर ले, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इनका मकसद अब ये बन चुका है। जब तक इनका मकसद अल्लाह और अल्लाह का रसूल था, इन्होंने जमानों में बादशाहत किया था, आजकल इनका मकसद ये है, जानता हूं मैं ये उम्मत था मिले। तो फिर हजरत हम में से जो जो, मैंने खुद को बाहर नहीं निकाला जी, मैं आपके साथ खड़ा हूं, हम में से जो जो इसको अपना मकसद बनाने की गलती कर चुका है, तो फिर सुनो मौलाना रूम क्या फरमा रहे हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं, कोई बुजुर्ग थे तो नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो जब मस्जिद के करीब पहुंचे ना, तो थोड़ा मस्जिद से पीछे एक बच्चा रो रहा था। अब बुजुर्ग थे जी, दिल माने ही नहीं बच्चे को रोता छोड़ के मस्जिद जाने को, आए बच्चे के सर पर दस्ते शफकत रखा, उसे पूछते हैं क्यों रो रहा है, वो कहता है इसलिए रो रहा हूं मैं खेल रहा था तो खेलते खेलते ना मेरा एक रुपया खो गया। उन्होंने कहा अच्छा, रोने की वजह एक रुपये का खो जाना है? उसने कहा अब वो तो नहीं मिलेगा, तो अगर मैं तुझे अपने पास से एक रुपया दे दूं तो तू खुश है? उसने कहा जी जब वजह ही एक रुपया है, वो मिल जाए आप दे दें मैं खुश हूं। उन्होंने अपनी जेब से एक रुपया निकाला और बच्चे को दे दिया, बच्चा खुश हो गया, हजरत नमाज पढ़ने चले गए। जब तो नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले ना, तो फिर रो रहा था, पूछा आप क्यों रो रहा है? वो कहता है हजरत आपने तो एक रुपया दे दिया, रो इसलिए रहा हूं जो खो गया, अगर कभी वो भी पास होता तो दो रुपये होने थे। इस तरह ही है ना,
उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने एक रुपया और निकाला, दो कर दिए, अब फिर तशरीफ ले गए घर। अब अदरे जो अल्लाह वाले हैं उनका घर कहाँ जी लगता है, तो कहते बस जल्दी जल्दी मस्जिद वापस आऊंगा। उनको दो तीन काम निपटाए फिर मस्जिद चल पड़े। वो जब मस्जिद के पास पहुंचे तो फिर रो रहा था। वो पूछा अब क्यों रो रहा है, वो कहता हजरत आपने तो दो कर दिए लेकिन जो खो गया अगर वो भी होता तो तीन होने थे। फिर मैं ठीक हो गया, आपने एक और निकाला, तीन कर दिए। अब नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के फिर आए तो फिर रो रहा था, है? नमाज पढ़ के निकले तो फिर रो रहा था। अब फिर आए, आगे पूछा भाई अब क्या है, वो कहता हजरत आपने तो तीन कर दिए लेकिन जो खो गया अगर वो भी होता तो चार होने थे। इस दफा आपने नहीं चौथा दिया, आपने एक सरदाह खेची और फरमाया मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने हक को सच्ची कहा था, इसको कब्र की मट्टी के अलावा कोई भी नहीं भर सकता। ज़्यादा हम में से जो जो इसको अपना मकसद बनाने की गलती कर चुका है तो फिर याद रखिए हजरत, ये वो मकसद है जो आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ। ये जरूरत है, इसको जरूरत रहने दो, इसको मकसद ना बनाओ। मकसद उसकी ज़ात है, वो मकसद है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी।